करना, और वो भी कसरत से करना। और सूरह नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को दावत देते हैं वो नहीं मानती है, और उसके बाद वो जो चीज़ें बताते हैं अल्लाह के सामने रिपोर्ट पेश करते हैं कि अल्लाह मैंने इतनी दावत दी, ये चीज़ें बताई, लोग उसके बाद भी ईमान ना लाए, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी कौम तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें औलाद देंगा। तो इससे ही पता चलता है कि इंसान इस्तग़फ़ार की कसरत करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद देगा उसको, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो गुनाहगार है और गुनाहगार होने की वजह से अल्लाह ने औलाद नहीं दी, लिहाजा इस्तग़फ़ार करो कहा जा रहा है, जबकि हम जानते हैं इस्तग़फ़ार तो अम्बिया अलैहिस्सलाम का शेवा है। जी अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।